देवराज बना बाहुबली, पिट गया राघव, कृषा बनी रक्षक। जी टीवी के सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना में देवराज हो गए हैं वामिका के षड्यंत्र का शिकार। असल में वामिका ने ऐसी चाल चली है जिससे देवराज को लगता है कि राघव ने कृषा का फोन हैक किया और साथ ही वामिका की बदनामी भी। बस इसी बात का गुस्सा वो राघव पर उतार रहे हैं उसकी पिटाई करके। हालांकि ये सीन फिल्माते वक्त रोमिल चौधरी को असली में चोट भी लगी। लेकिन सीन की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सीन जारी रखा। भाई, कृष्णा का फोन हैक करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और उनके फोन से भामिका की खबर ये फैलाने की, और वहां जमाने की नजरों में भामिका के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया और अपनी मिसगिरी हरकत को शराब पीकर सेलिब्रेट कर रहे तू? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे। मैं कसम खा गया तो मैंने कुछ नहीं कह रहे भाई। मुझे तुम्हारी कसम पर नहीं, साइबर पुलिस के सबूत पर भरोसा है। और अपनी इस नीच हरकत के बाद अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई राघव तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन देवराज सुनने को तैयार नहीं। उसका गुस्से का पारा चढ़ा हुआ है। इससे पहले कि वो राघव को नुकसान पहुंचाते कि तभी वहां आ जाती है कृषा और राघव को वहां से रफा दफा कर देती है और देवराज का गुस्सा शांत करती है। क्या कर रही है आप? हट जाइए कृषा। देवराज सर रुक, ना कभी जाइए यहां से, जाइए। भाई पति का गुस्सा कैसे शांत किया जाए वो कोई कृषा से सीखे। जरा देखिए कैसे वो अपने पति पर प्यार लुटाकर उनके गुस्से को शांत कर रही है लेकिन साथ ही अपनी बात भी रख रही है। वामिका ने आज तक जो भी किया है आपके और हमारे बीच में दरार डालने के लिए किया है। वो आपको उनसे शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती है, अपने बच्चे और अंबिकापुर के वारिस को आपका नाम देना चाहती है। फिलहाल तो कृषा ने देवराज को वामिका की चाल के बारे में बता दिया है। अब देखना होगा कि क्या देवराज कृषा की इन बातों को समझ पाएगा और समय से पहले वामिका का सच सभी के सामने ला पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।